हमीरपुर के रमेड़ी मोहल्ले में दो पक्षों के बीच वर्चस्व को लेकर मारपीट हुई। इस घटना में दोनों पक्षों के 6 से 7 लोगों को चोट आई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। रिक्शे की टक्कर से जब एक युवक घायल हो गया तो लोग उसका विरोध करने लगे, लेकिन इस बीच विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाने लगे। मथुरा में थाना कोतवाली के कृष्णानगर इलाके का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला कार सवार युवकों पर चिल्लाती हुई नजर आ रही है। महिला ने कार सवार युवकों पर अपने पति और खुद के साथ मारपीट का आरोप लगाया। महिला पुलिस के सामने ही मारपीट करने वाले युवकों पर गरजती बरसती नजर आई। कुशीनगर में भाजपा के मंडल अध्यक्ष के चुनाव में जमकर मारपीट हुई। मारपीट के बाद उसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। ये मामला कुशीनगर के सुकरौली ब्लॉक का है। एक प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस लेने से मना कर दिया तो उसकी जमकर पिटाई कर दी गई। पीड़ित ने भाजपा विधायक पवन केडिया पर आरोप लगाया है। बुलंदशहर के नेतला हसनपुर गांव में आयुष्मान भारत योजना के कार्ड कूड़े में पड़े हुए मिले। यहां के करीब 150 कार्ड कूड़े के ढेर में पड़े मिले। कूड़े के ढेर पर कार्ड मिलने के बाद इसका वीडियो वायरल हुआ तो स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। अब पूरे मामले की जांच की जा रही है। दिल्ली के जंतर मंतर पर यूपी सरकार के फर्जी एनकाउंटर के विरोध में सामाजिक संगठनों ने मार्च निकाला। संगठनों ने मार्च निकालकर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। मऊ के मोहम्मदाबाद के वलीदपुर गांव में एक घर में सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। इस हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। एक घर में रसोई गैस का सिलेंडर फट गया, जिसके बाद 2 मंजिला इमारत गिर गई। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के कई मकान धराशायी हो गए। मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकालने में बचाव टीम को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं सिलेंडर ब्लास्ट हादसे की जांच एटीएस की टीम करेगी। इस हादसे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया। सीएम ने मृतकों के परिवारों के प्रति गहरा शोक व्यक्त किया। साथ ही सीएम ने घायलों को इलाज की व्यवस्था करने के तत्काल आदेश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा, हादसे में घायलों को हर संभव मदद करने की कोशिश की जाएगी। जिला प्रशासन के अधिकारियों को तत्काल सेवाएं मुहैया कराने का भी निर्देश दिया। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में जबरदस्त कार हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में राष्ट्रीय स्तर के 4 हॉकी खिलाड़ियों की मौत हो गई। हादसे में 3 और लोग घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे तक उड़ गए। होशंगाबाद में ध्यानचंद हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन चल रहा है। ये सभी खिलाड़ी उसी में हिस्सा लेने के लिए आए हुए थे। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी के काफिले की गाड़ी रविवार देर रात हादसे का शिकार हो गई। भदोही के औरई कोतवाली क्षेत्र में हुए इस हादसे में पुलिस स्कॉट की गाड़ी अनियंत्रित होकर गड्ढे में गिर गई। इस हादसे में 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। वहीं हादसे के बाद नंद गोपाल नंदी पुलिसकर्मियों को अस्पताल ले गए और उन्हें भर्ती करवाया। लखनऊ में आयोजित नेशनल एयर क्लीन कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। इस मौके पर सीएम ने दीप प्रज्वलित कर कार्यशाला का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा, वायु प्रदूषण आज एक वैश्विक समस्या है। वायु समस्या का समाधान भारत कर सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा, प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखने की जरूरत है। इसके लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को मिलकर काम करना होगा। सीएम ने कहा, कार्यशाला के माध्यम से ठोस निष्कर्ष तक पहुंचेंगे। साथ ही कहा, वायु प्रदूषण पर जागरूकता का अभी भी अभाव है। एनजीटी की चेतावनी के बावजूद लोग खेतों में आग लगा रहे हैं। सीएम ने कहा, शहरी कचरे के निस्तारण की योजना बनाएं। साथ ही सीएम ने स्वच्छता का संदेश देते हुए कहा, कुंभ में स्वच्छता का काफी ख्याल रखा गया। कुंभ के लिए 1 साल पहले से ही तैयारी की जा रही थी। गंगा की निर्मलता पर खास जोर दिया गया। राम मंदिर पर सुनवाई पूरी होने से पहले अयोध्या में धारा 144 लागू कर दी गई है। सरयू में नाव चलाने और ड्रोन पर पाबंदी है। किसी तरह के आयोजन की इजाजत भी नहीं है। 10 दिसंबर तक ये रोक लागू रहेगी। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को आज दोपहर 3 बजे राउज एवेन्यू अदालत में पेश किया जाएगा। चिदंबरम आईएनएक्स मीडिया मामले में न्यायिक हिरासत में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है।
कर्नाटक कांग्रेस के नेता डी शिवकुमार की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट सुनवाई करेगी। डी शिवकुमार ने निचली अदालत के उस फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है जिसमें उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया था। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज सार्वजनिक बैंकों के सीईओ के साथ एक समीक्षा बैठक करेंगी। इसमें ऋण वितरण में प्रगति समेत कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। बैठक खत्म होने के बाद दोपहर 2 बजे करीब ब्रीफिंग होगी। पीएम नरेंद्र मोदी आज से हरियाणा में चुनावी हुंकार भरेंगे। मोदी की प्रदेश में 4 चुनावी रैलियां प्रस्तावित हैं। पीएम बल्लभगढ़ से रैली का आगाज करेंगे। दोपहर 2 बजे ये रैली होगी। पीएम मोदी की 15 अक्टूबर को 2 रैलियां चरखी दादरी और कुरुक्षेत्र में प्रस्तावित हैं, जबकि मोदी की 4थी रैली हिसार में होनी है। भाजपा नेता और भाजपा प्रत्याशियों ने मोदी की रैलियों की सभी तैयारियां कर ली हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी हरियाणा के नूह में जनसभा करेंगे। इस रैली में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पूर्व सीएम हुड्डा और पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर 21 अक्टूबर को चुनाव होना है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज हरियाणा में चुनावी प्रचार करेंगे। वो आज राज्य में 3 जनसभाओं को संबोधित कर पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। महाराष्ट्र में आज एक बार फिर से स्टार प्रचारक और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ गरजेंगे। सोलापुर, सांगली, बीड और औरंगाबाद में सीएम की ताबड़तोड़ रैलियां होंगी। बसपा प्रमुख मायावती महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार की शुरुआत आज से करेंगी। बसपा की नागपुर के इंदौरा मैदान में एक विशाल चुनावी जनसभा आयोजित की गई है। कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता चुने जाने के बाद पहली बार प्रतापगढ़ पहुंची आराधना मिश्रा का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। सैकड़ों बाइकों और कारों के लंबे काफिले और गाजेबाजे के साथ जुलूस निकाला गया। नीदरलैंड के शाही दंपति किंग विलियम अलेक्जेंडर और क्वीन मैक्सिमा ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। राष्ट्रपति भवन में उनका स्वागत किया गया। नीदरलैंड के शाही दंपति 5 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। रविवार को एयरपोर्ट पर तमाम अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। साल 2013 में शाही गद्दी संभालने के बाद किंग का ये पहला भारत दौरा है। महोबा जिले में बीते रोज डॉक्टर के गलत इंजेक्शन लगाने से महिला की मौत हो गई, जिससे पुलिस की रिपोर्ट न लिखे जाने से नाराज परिजनों ने अस्पताल के सामने शव रखकर जाम लगा दिया। परिजनों ने दोषी डॉक्टर के खिलाफ नारेबाजी की। घंटों तक लगी जाम की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जाम खुलवाने के लिए काफी मशक्कत करती रही। बाद में उग्र लोगों ने अपर पुलिस अधीक्षक के आश्वासन के बाद जाम खोला। यूपी के अमरोहा जिले में शोभा यात्रा में एक युवक की जमकर हुई पिटाई। महर्षि वाल्मीकि शोभा यात्रा में हुई मारपीट। युवक पर शोभा यात्रा में कलाकारों को छेड़ने का लगा आरोप। आरोपी युवक हुआ फरार। थाना धनोरा इलाके के कस्बे का मामला। मैनपुरी में भाजपा के संगठन चुनाव के दौरान कार्यकर्ता आपस में भिड़े, जमकर हुआ घमासान। भाजपा के मंडल अध्यक्ष का चुनाव हो रहा था, इसी बीच 2 दावेदारों के समर्थक आपस में भिड़ गए और जमकर हुई मारपीट। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। गाजियाबाद के थाना सिहानी गेट के नंदग्राम इलाके में बने कबाड़ के गोदाम में भयंकर आग लग गई। लोगों ने तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम को फोन किया, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने पहुंचकर आग को काबू में किया। नोएडा में पुलिस ने 4 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है, साथ ही वाहन और मोबाइल लूट के आधा दर्जन वारदातों का खुलासा करने का दावा भी किया। पुलिस ने गिरफ्तार बदमाशों के कब्जे से एक बाइक, एक स्कूटी, 17 मोबाइल फोन, एक तमंचा, 3 जिंदा कारतूस और 3 चाकू बरामद किए हैं। पकड़े गए बदमाशों पर दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में 2 दर्जन से अधिक मामले दर्ज थे। बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस ने एक बदमाश के पैर में गोली मारकर घायल कर दिया, जबकि बदमाश का दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। शातिर बदमाश पवन पर यूपी, हरियाणा और राजस्थान में 12 से भी ज्यादा मामले दर्ज थे। पुलिस ने इसके कब्जे से एक बाइक, एक तमंचा और कई कारतूस बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस फरार बदमाश की तलाश कर रही है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन के शेयरों की सोमवार को BSE पर 644 रुपए पर लिस्टिंग हुई और सुबह 10 बजे करीब इसकी कीमत 691 रुपए पहुंच गई। इससे लाखों निवेशक मालामाल हो गए।
हीरो मोटरकॉर्प की प्रीमियम स्पोर्ट्स बाइक करिश्मा का सफर अब खत्म होने वाला है। कंपनी ने पिछले 6 महीने में इस प्रीमियम स्पोर्ट्स बाइक की एक भी यूनिट मैन्युफैक्चर नहीं की है। ये बाइक साल 2003 में लॉन्च की गई थी। ये बाइक यूथ के बीच में काफी पॉपुलर रही। अब BS4 नॉर्म्स के चलते इस बाइक के प्रोडक्शन को फिलहाल बंद कर दिया गया है। नई हीरो स्प्लेंडर जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाली है। हीरो मोटरकॉर्प अपनी इस लोकप्रिय बाइक में कई नए फीचर्स को शामिल करने जा रही है। नई स्प्लेंडर की सबसे खास बात ये होगी कि इसमें माइलेज बढ़ाने के लिए फ्यूल इंजेक्शन तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। कहा जा रहा है कि इसी महीने BS6 नॉर्म्स की हीरो स्प्लेंडर आई स्मार्ट लॉन्च हो जाएगी। पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली BCCI के नए अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। पूर्व क्रिकेटर बृजेश पटेल से दौड़ में उन्हें आगे माना जा रहा है। अध्यक्ष पद की रेस में सौरव गांगुली और बृजेश पटेल सबसे आगे चल रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का सचिव नियुक्त किए जाने की तैयारी हो गई है। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के छोटे भाई अरुण धूमल को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया जाना तय माना जा रहा है। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को पहली बार ऐतिहासिक फॉलो ऑन खेलने के लिए मजबूर किया और गेंदबाजों के दमदार प्रदर्शन से दूसरा टेस्ट चौथे ही दिन रविवार को पारी और 137 रन से जीतकर 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अपराजेय बढ़त बना ली। भारत की दक्षिण अफ्रीका पर यह अब तक की सबसे बड़ी जीत है और इसके साथ ही भारत ने फ्रीडम ट्रॉफी पर भी कब्जा कर लिया। भारतीय मुक्केबाज मंजू रानी को महिला वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में मिली हार के बाद सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा। हरियाणा की इस मुक्केबाज को लाइट फ्लाईवेट वर्ग के फाइनल में रूस की एकातेरिना पालसेवा ने 4-1 से हराया। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच रवि शास्त्री सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग की भेंट चढ़ गए। लोगों ने ICC के शेयर किए गए फोटो को लेकर शास्त्री को जमकर ट्रोल किया। ICC ने शास्त्री का एक फोटो साझा कर लोगों से इसका कैप्शन लिखने को कहा, जिसके बाद ट्विटर पर तेजी से शास्त्री के मीम्स ट्रेंड करने लगे। इनमें लोगों ने उनके फोटोशॉप फोटो लगाए और जोक लिखा। भारत के पूर्व तेज गेंदबाज प्रवीण कुमार ने गले में मोटी सोने की चेन पहनी हुई है, जिसकी तस्वीर उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की। प्रवीण ने तस्वीर के कैप्शन में लिखा, बहुत गंभीरता से संजू बाबा, ये देख माँ 50 तोला। मुंबई में जियो मामी मूवी मेला विद स्टार 2019 में दीपिका ने अपने जलवे बिखेरे। दीपिका इस दौरान ब्लू और ब्लैक कलर के गाउन में बेहद खूबसूरत लग रही थी। करीना कपूर ने मामी मुंबई फिल्म फेस्टिवल के खास आयोजन मामी मेला के मंच से तैमूर के फोटो खिंचवाने की आदतों पर एक छोटा सा खुलासा किया। करीना ने बताया, अब तो तैमूर मुझे कहने लगा है अम्मा नो फोटोग्राफ्स। बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन बहुत जल्द ही अपने आने वाली फिल्म तानाजी में दिखाई देने वाले हैं। फिल्म के बारे में बताते हुए अजय ने बताया, उन्हें शूटिंग की तैयारी करते वक्त शानदार मराठी इतिहास के बारे में काफी कुछ जानने को मिला। पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है का हिस्सा रह चुकी एक्ट्रेस मोहिना कुमारी सिंह जल्द शादी के बंधन में बंधने वाली हैं। उनके वेडिंग फेस्टिविटीज की शुरुआत हो चुकी है। रविवार को मोहिना की मेहंदी और संगीत का प्रोग्राम धूमधाम से हुआ। सोशल मीडिया पर मोहिना कुमारी सिंह के प्री वेडिंग सेलिब्रेशन की तस्वीरें छाई हुई हैं। मोहिना की शादी सुयश रावत से होने जा रही है। मेहंदी और संगीत फंक्शन में मोहिना बेहद खूबसूरत दिखी। टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति में अब तक 2 लोग 1 करोड़ की राशि जीत चुके हैं। KBC को अब एक और करोड़पति मिल गया है। बिहार के रहने वाले गौतम कुमार झा KBC के तीसरे करोड़पति हैं, जिन्होंने 1 करोड़ रुपए की राशि जीती है। बिग बॉस 13 के वीकेंड का वार एपिसोड में साकी साकी गर्ल कोयना मित्रा का सफर खत्म हो गया है। इसी के साथ दलजीत कौर के बाद घर से बेघर होने वाली दूसरी कंटेस्टेंट बन गई। कोयना के नाम की जैसे ही सलमान ने घोषणा की तो शहनाज ने सभी गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे को गले लगाया। शहनाज ने कोयना से माफी भी मांगी। कोयना ने घर से बेघर होते वक्त रश्मि को अलविदा नहीं कहा। रश्मि ने इसकी चर्चा भी की और कहा कि कोयना मित्रा उनसे नाराज है, इसलिए बाहर जाते वक्त उनसे मुलाकात भी नहीं की। कोयना मित्रा के गेम को लोगों ने खूब पसंद किया, लेकिन ट्विटर पर कोयना के घर से बाहर आने से उनके फैंस काफी नाराज हैं। कोयना के फैंस का कहना है कि वो घर में पीठ पीछे चुगली नहीं करती, सलमान जबरदस्ती कोयना को गलत ठहरा रहे थे।
द कपिल शर्मा शो में एक्टर गोविंदा मेहमान बनकर पहुंचे। इस दौरान उनकी बेटी टीना आहूजा और पत्नी सुनीता आहूजा ने भी ज्वाइन किया। गोविंदा बेटी के म्यूजिक वीडियो को प्रमोट करने के लिए पहुंचे थे। शो में तीनों ने एक दूसरे के कई राज खोले। गोविंदा की बेटी ने बताया कि बिजी शेड्यूल की वजह से पापा सो नहीं पाते, तो जब मौका मिलता है वो कहीं भी झपकी मार लेते हैं। एक्टर अक्षय कुमार ने फिल्म हाउसफुल 4 के एक और अहम किरदार सूर्यवान से लोगों को मिलवाया। अक्षय ने इंस्टाग्राम पर एक मोशन पोस्टर शेयर किया। एक्टर शरद केलकर सूर्यभान की भूमिका में नजर आ रहे हैं। इस पोस्टर को खूब लाइक और शेयर किया जा रहा है। फिल्म हाउसफुल 4 26 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। फिल्म वॉर टाइगर श्रॉफ के करियर की सबसे बड़ी फिल्म बन गई है। इस फिल्म ने टाइगर की फिल्म बागी 2 के कलेक्शन को महज 5 दिन में पीछे छोड़ दिया था और 10 दिन की कमाई के बाद इस फिल्म ने ऋतिक रोशन की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म क्रिश 3 को भी पीछे छोड़ दिया है। अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने कहा है कि अगर कोई अल्पसंख्यक समुदाय कहता है कि समाज में असहिष्णुता है तो उसकी बात सुनी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर एक दलित कहता है कि मुझे डर है कि मेरी लिंचिंग हो जाएगी तो उसे सुनो, क्योंकि यह आपके साथ नहीं हुआ तो जरूरी नहीं ऐसा किसी के साथ ना हुआ हो। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबा आपकी।